हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ मैं। एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ 2019 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरा इस नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, पूरा वैकेंसी कितनी है, 10,000 प्लस करीब वैकेंसी रहने वाली है। योग्यता की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा इसका, कब इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, कितने स्टेज में इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, आयु क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेक्निकल हिंदू गुरु चैनल को फ्रेंड्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो, देखिए जैसे न्यूज आती है तो आप बहुत से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है। लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों को कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था तभी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कोई भी वीडियो आपको अपलोड नहीं कराई थी और ना ही कोई अपडेट दिया था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्योंकि बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब पर, तो बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी वहाँ पर न्यूज़ के जरिए आती है न्यूज़ अपडेट, तो वहाँ पर दे देते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ अब से और इस डेट से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं होता है। तो मैंने कोई भी वीडियो आपको अपडेट नहीं दिया था, जब ऑफिशियल अपडेट आया तभी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेक्निकल हिंदू गुरु चैनल को फ्रेंड्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही फ्रेंड्स एक बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स मैं रेलवे एसएससी यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, सभी के अपडेट्स वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 22 अप्रैल है आज फ्रेंड्स, और आज ही की डेट में बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हुआ है यहाँ पर। मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस नॉन टेक्निकल वैकेंसी होती है, एग्जामिनेशन 2019, ठीक है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन को दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं आपके लिए ओपन कर चुका हूँ, तो देख सकते हैं आप टू बी अपलोडेड ऑन द कमीशन्स वेबसाइट ऑन 22 अप्रैल 2019। तो आप देख सकते हैं 22 अप्रैल है फ्रेंड्स, और आज की डेट में ही नोटिफिकेशन को अपडेट किया गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डेट की बात करते हैं, उसके बाद सिलेबस एग्जाम प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है, मैं थोड़ा जल्दी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 47 पेजों की फाइल है ये, तो ठीक है मैं जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके फॉर्म जो है 22 अप्रैल 2019 यानी आज से ही स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, आज से ही इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और 29 मई 2019 तक फॉर्म ऑनलाइन कर सकेंगे आप, ठीक है। यानी कि आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल आज से फॉर्म ऑनलाइन होंगे और 29 मई तक इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, पूरे एक महीने से ज़्यादा का टाइम आपको मिलने वाला है। उसके बाद लास्ट डेट जो आपकी रिसिप्ट की लास्ट डेट है वो 29 मई 2019 है, 5:00 PM तक की। लास्ट अपडेट ऑनलाइन पेमेंट करने की है 31 मई 5:00 PM तक की। लास्ट डेट जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो अगर आप ऑनलाइन ही करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैंक के द्वारा चालान करना चाहते हैं तो 31 मई 5:00 PM तक की है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 1 जून 2019 यानी 1/6/2019। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर वन का जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो 2 अगस्त 2019 से 6 सितंबर 2019 के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा, और टीयर टू का जो एग्जाम आपका, देखिए जो दो स्टेज में इसका एग्जाम करवाया जाएगा, एक तो टीयर वन होगा एक टीयर टू होगा। टीयर टू जो आपका होगा वो डिस्क्रिप्टिव एक पेपर होगा, और टीयर वन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और जो आपका सेकंड पेपर है टीयर टू का वो आपका 17 नवंबर 2019 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये तो रही आपकी डेट्स के बारे में पूरी जानकारी। आगे फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में क्या दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स अगर इसकी पे स्केल की बात करें तो 5200 से 20200 है, ग्रेड पे इसका 1800 है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं
इसकी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी आप देख सकते हैं, इसमें वैकेंसी तो नहीं दी है क्योंकि आप सभी को बताया एसएससी में वैकेंसी एक्सपेक्टेड देते हैं, तो कोई भी वैकेंसी नहीं देते देते हैं, ठीक है। किसी किसी वैकेंसी में दे देते हैं लेकिन मैक्सिमम वैकेंसी नहीं दिखाते कि इतनी वैकेंसी है। आप जा सकते हैं ssc.in की ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद कैंडिडेट कॉर्नर पर, उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी वैकेंसी को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि 10,000 प्लस ही वैकेंसी रहने वाली है, 10,000 प्लस कम वैकेंसी नहीं रहने वाली है ssc MTS की। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ssc ST OBC वालों के लिए रिजर्वेशन भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फ्रेंड्स की फॉर्म की बात करें तो ऑल इंडियन गवर्नमेंट, ऑल इंडियन कोई भी स्टेट के आप हो, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स एज लिमिट इसकी रहने वाली है, आप जो है 18 से 25 वर्ष के होने चाहिए, ठीक है। और जो आपकी एज की गणना की जाएगी वो 8 अगस्त 2019 के गणना की जाएगी, और आप जो है 8 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2001 के बीच में जन्मे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे हम देखते हैं इसमें एज लिमिट की छूट दी जा रही है थोड़ी बहुत। एससी और एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि वो यहाँ पर 25 वर्ष बताई गई है। अगर एससी और एसटी के आप हैं तो 5 वर्ष की छूट है यहाँ पर, तो आप 30 वर्ष के हो तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड जो कैंडिडेट है उनकी 10 साल की छूट है, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 13 वर्ष की छूट है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो आप 15 वर्ष की छूट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 वर्ष की डिडक्टिंग यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपकी यहाँ पर जो है छूट दी जा रही है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इम्पोर्टेंट नोटिस में जो दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स की अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10th मांगी गई है। आप हाई स्कूल से भी इसका फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट आपकी 1 अगस्त 2019 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी भी हो लेकिन हाई स्कूल यहां पर मिनिमम है, यानी कि मैं बता सकता हूं कि 4th क्लास की जॉब है आपकी तो हाई स्कूल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एमटीएस का जो काम रहता है वो सरकारी दफ्तरों में काम रहता है, जैसा कि फाइल अधिकारी लोगों के ऑफिस में आपको फाइल इधर से उधर करना, उठाना, उनको देना फाइल, ठीक है। यानी 4th क्लास की जॉब आप समझ सकते हैं कि क्या काम हो सकता है इनका। फ्रेंड्स आप इसके और नोटिफिकेशन को यानी कि इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 29 मई 2019 से पहले 5 बजे से पहले आप इसके फॉर्म को जो है ऑनलाइन कर दीजिएगा, अन्यथा आप फॉर्म से रह जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि एसएससी के अगर आप एसएससी के कभी भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो एसएससी की लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एसएससी की लास्ट दिन में जाकर करीबन 10 दिन 8 दिन पहले पहले जब लास्ट डेट रह जाती है 8-10 दिन पहले, तो आप सोचते हैं फॉर्म को अभी 8-10 दिन है, तो ऐसा बहुत गलती ना करें, क्योंकि एसएससी की साइट जो है बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है और आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, फिर आपका फॉर्म रह जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन की फीस बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये फीस आपका चार्ज रखा गया है। और यहाँ पर ssc ST PWD कैंडिडेट की बात करूँ और एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो कोई भी फीस यहाँ पर उनके लिए नहीं बताई गई है, ठीक है। केवल ओबीसी और जनरल वालों के लिए फीस यहाँ पर बताई गई है। फीस आप जो है 31 मई 2019 से पहले यहाँ पर 5 बजे से पहले सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप SBI के थ्रू चालान करवाना चाहते हो तो 1 जून 2019 से पहले करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इसकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट वाइज सेंटर दे दिए हैं। सपोर्टेड जैसे कि अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है भागलपुर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इतने सेंटर दिए हुए हैं, ठीक है। वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, बरेली, इलाहाबाद, अलीगढ़, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे सेंटर दिए हैं अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो। सेंट्रल यानी रीजन में आते हैं CR वाले, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ये उनका सेंटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट वाइज सभी के सेंटर हैं, आप देख सकते हैं काफी सेंटर हैं, तो मैं सभी सेंटर नहीं बता सकता हूँ। फ्रेंड्स अगर हम इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप जिनको मैंने बताया कि Tier 1 और Tier 2 दो पेपर आपके करवाए जाएंगे। पहला पेपर जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराया जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट आपका जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका Paper 1 जो रहने वाला है, Paper 1 में क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो Paper 1 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रहने वाला है, मैं थोड़ा और इसे कर लेता हूँ जिससे ऊपर का भी आपको दिख जाए।
ठीक है। तो पेपर वन में आपका रहने वाला है, पेपर वन जो आपका होने वाला है वो आपका 2 अगस्त 2019 से 6 सितंबर 2019 के बीच आपको फर्स्ट पेपर करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट पेपर में आएगा क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी सबसे पहले तो जर्नल इंग्लिश आएगी, जो आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जो आपके 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए। और यहां पर मैं बता दूं आपको आगे, यहां पर फर्स्ट पेपर देखिए आप, जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आपका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे, आपको उनमें से किसी एक को करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको 2 इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पेपर आएगा, आप जिसमें मन हो आप कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी करवाई जाएगी, जो आपकी 0.25 की मार्क नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए फर्स्ट पेपर जो आपका होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी करवाया जाएगा, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी करवाया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देख ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका शॉर्ट ऐसे या लेटर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मैक्सिमम 50 अंकों का होगा, जिसके लिए आपको टाइम 30 मिनट का दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी सेकंड पेपर होगा वो केवल क्वालिफाइंग मार्क का होगा। इसमें क्राइटेरिया दी होगी कि आपको इतने नंबर लाने हैं, ठीक है। इसमें कोई भी मेरिट नहीं लगेगी सेकंड पेपर वाले में, केवल फर्स्ट पेपर वाले में मेरिट लगेगी। सेकंड पेपर वाले में आपको बता दिया जाएगा कि इतने नंबर का आपको करना है, इतने नंबर आपको लाना कंपलसरी है। आप क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि सपोज अगर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, 50 नंबर का है, अगर वो कहते हैं कि 35 नंबर का मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, वो कहते हैं कि 35 नंबर लाना कंपलसरी है 50 में से, तो आपको 35 नंबर लाना है। जो जो छात्र 35 नंबर ले आएंगे वो पास कर दिए जाएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा पेपर। उसके बाद फ्रेंड्स और इंपॉर्टेंट चीज मैं देख लेता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस भी दे दिया, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है जनरल इंग्लिश में देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आपको ग्रामर भी आएगी, सिनोनियम भी आएंगे, एंटोनियम आएंगे, ठीक है, करेक्ट यूजेस भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद राइट एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद। रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आप देख सकते हैं सिमिलरिटीज डिफरेंसेस स्पेस, ठीक है, विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेबस पूरा दिया है आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का भी सिलेबस है, अवेयरनेस का भी सिलेबस है, आप सभी छात्र देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें पेपर सेकंड की, अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड आपका ऐसे और लेटर के ऊपर आएगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि आपको पासपोर्ट साइज 2 कलर फोटो होने चाहिए, जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो उस टाइम पर बात हुई हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एडमिशन टू बी एग्जामिनेशन, ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो वहां पर आपकी क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आईडी कार्ड होना चाहिए, लाइक जैसे कि आधार कार्ड होगा, ई आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर रहे हो तब। तो इनमें से जब आप एग्जाम देने जाएं तो इनमें से किसी एक को लेकर जाएं। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर आपके होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स पीडब्ल्यूडी के जितने भी छात्र हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसकी, जब एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताया गया कि सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स वो सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और आइडेंटिटी प्रूफ आईडी आपकी होनी चाहिए, आधार कार्ड प्रिंट आउट ई आधार कार्ड भी होना चाहिए, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कूल अगर पढ़ते हैं कॉलेज आईडी, ठीक है, तो ये सभी कुछ आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कौन कौन से सबमिट यहाँ पर करने पड़ेंगे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, लाइक जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट या सेकेंडरी की मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी की सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल से होने चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, कितनी भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास जितनी है वो सभी जितनी भी आप भरते हैं, चाहे ग्रेजुएशन इंटर चाहे कुछ भी जितनी भी भरते हैं आप, वो सभी आपको वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा तो सभी आपको वहाँ पर ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर्सनल एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो आपको वो होना चाहिए, एक्स सर्विस मैन है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिफेंस में है
तो एनेक्सर यहाँ पर बता दिया गया कि एनेक्सर 5 में कौन सा होना चाहिए, एनेक्सर 6 यहाँ पर सभी बता दिए हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेकंड पेपर की अगर हम बात करूँ तो सेकंड पेपर में आपको मिनिमम 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% अंक, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 30% अंक लाने अनिवार्य है सेकंड पेपर में, ठीक है। यानी 50 नंबर का आपका पेपर है तो इसमें 40 और 35% अंक लाना अनिवार्य है, रिजर्व कैंडिडेट के लिए 35 और अनरिजर्व के लिए 40% अंक लाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इतने ले आते तो आपको जो क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इंपोर्टेंट जो भी था मैंने सभी इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि और कुछ इंपोर्टेंट होगा और मुझसे छूट जाता है कुछ, आपको लगता है कि वो इंपोर्टेंट हो सकता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगा, उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अगर ज़्यादा क्वेरीज आती है तब। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी तो आप फॉर्म को भरिएगा, आगे का कोई अपडेट आएगा SSC MTS को लेकर तो मैं बता दूंगा, जब उसका मैं इसकी वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आपकी, जब एग्जाम जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस एनेक्सर किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको लेकर चलूंगा, वो पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें जिससे सभी छात्रों को पता चल सके। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे हमें और मोटिवेट मिलता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, और मैं SSC की सभी अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।